10 दिनों बाद नहा रहा है तू? हाँ भाई है? 10 दिनों बाद नहा रहा है? क्या कह रहा? ए क्या नाम है तेरा? क्या नाम है तेरा? शिवांगी। शिवांगी नाम हो गया, नाम चेंज हो गया? तो गाइस ये मेरी नानी है, ये चावल के आटे से ये सर्कल इसलिए बना रही है क्योंकि यहाँ पर धान कुटाई की रस्म की जाएगी। मैं आपको दिखाता हूँ। तो गाइस ये मेरी छोटी मामी एंड बड़ी मामी है जो धान कुटाई की रस्म कर रही है। अभी यहाँ पर सब लोग एक एक करके आएंगे और ये रस्म करेंगे। पे 10 दिनों बाद नहा रहा है तू? हाँ भाई है? 10 दिनों बाद नहा रहा है? क्या कह रहा? जोर से बोल, मैं जरा कम सुनता हूँ, जोर से बोल। क्या कह रहा? ये कालिया 10 दिनों बाद नहा रहा है। यहाँ पे किया जा रहा है गड्ढा। गड्ढा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि यहाँ पर बांस का बंबू खड़ा किया जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ। तो गाइस ये लगा दिया बांस का बंबू, ये पूरा ऊपर तक लगाया और ये काले कपड़े में इसमें पैसे बांधे हुए हैं। तो गाइस अभी इस बांस के बंबू पर घास को बांधा जा रहा है। ये घास इसलिए बांधी जाती है क्योंकि जैसे शादी में 7 फेरे लगाए जाते हैं ना, वैसे ही यहाँ की रस्म है कि इस पर पूरा 7 बार इस घास को बांधा जाएगा एंड उसके ऊपर फिर आम की पत्तियों को लगाया जाएगा। तो अभी शिवम आम के पत्तों को तोड़ लाया है। और लिया जा, और लिया, और लिया। तो ये पूरा 7 बार लग गया है। अब इसमें आम की पत्तियां लगाएंगे। नीचे से लगा? हाँ, यहीं से लगा। चलो अब जल्दी जल्दी लगाओ, जल्दी जल्दी। तो गाइस मेरा बड़ा भाई भी आ गया आम की पत्तियों को लगाने। तो गाइस जो आपने देखा ये था बांस का बंबू। बांस का बंबू शादी के 2-3 दिन पहले लगाया जाता है क्योंकि यहाँ की ऐसा कुछ प्रथा वगैरह ये सब होता है। तो ये है कार्तिक, ये मेरा भांजा, ये मेरी दीदी का लड़का। कार्तिक नाम है तेरा, है ना? हाँ देखा, कार्तिक नाम है इसका। और इसका नाम है कीर्ति। इधर देख, इधर कैमरे में देख, कैमरे में। क्या नाम है तेरा? क्या नाम है तेरा? शिवांगी। शिवांगी नाम हो गया, नाम चेंज हो गया। तो इधर बनाया जा रहा है छप्पर। छप्पर इसलिए बनाया जा रहा है क्योंकि इसको बांस के बंबू के ऊपर लगाया जाएगा। अच्छे से बांध, खुलना नहीं चाहिए। तो गाइस छप्पर लगा दिया है तो अभी रात में इसकी की जाएगी पूजा। A few moments later. तो गाइस अभी मेरी बड़ी बहन आटे से रंगोली बना रही है एंड इसके बाद होगी इधर पूजा। और तो अभी मेरी मम्मी भी आ गई, पानी का मटका लेकर रख दिया ये। मेरे को पता नहीं है क्या क्या होने वाला है क्योंकि जब मेरे मामा की शादी थी उस टाइम पे मैंने ये सब देखा था और उस टाइम पे मैं बहुत छोटा था तो मेरे को इतना याद नहीं है एंड ये अभी मेरे को फिर से देखने को मिल रहा है। तो चलो। Two thousand years later. मजा आया।
क्या हो गया? तो गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं और हम लोग जीजा जी के लिए ये सब फल फ्रूट वगैरह गिफ्ट वगैरह लेकर आए हैं तिलक के लिए। एंड अभी सब लोग थोड़े थोड़े पैसे भी देंगे एंड पैसे भी चढ़ाए जाएंगे तिलक में। तो ये मेरा बड़ा भाई जा रहा है। तो हम जीजा जी के घर पहुंच गए हैं। ये जीजा जी का घर है। तो यहाँ पर किया जाएगा जीजा जी का तिलक जो कि शुभम करने वाला है। तो ये है हमारे जीजा जी जिनका तिलक शुभम करेगा। शुभम बैठ, कहाँ बैठेगा, जल्दी बैठ। हाँ इसको हटा दे, हाँ हटा दे, हाँ इधर रख दे पास। तो इधर मिठाइयाँ बनाई जा रही है पूरी। क्या खा रहा है? आइसक्रीम। आइसक्रीम खा रहा है? हाँ। ये क्या लगा देखिए। तो गाइस ये मंडप पूरा सज गया है। ये है मेरी मौसी। मौसी शादी में डांस करोगी? हाँ। फुल चल भाई भाई।